नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है त्रयोविंशः सर्ग, यानी कि किष्किंधा कांड से 23वां सर्ग। और वाली की मृत्यु के बाद इस सर्ग में है तारा का विलाप करना, रो रो कर अपने पति को याद करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः समुपजि ग्रंथि कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनम् अब्रवीत् शेषे त्वं विषमे दुःखं कृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधा तले मत्तः प्रियतरा नूनम वानरेन्द्रमहितव शेषे हिताम परिश्वज मां च न प्रतिभाषसे सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेश भवत्यहो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय ऋक्षवानर मुख्यास्त्वाम बलिनम पर्युपासते तेषां विलपितं कृच्छं अंगदस्य च शोचतः। जब तारा ने जाना कि उनके पति के प्राण का साथ छोड़ चुके हैं, तो वाली का आलिंगन करके वो एक कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, बोली, हे वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। हे वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। हे वीर, साहसपूर्ण कार्यों में प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है, अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। हे प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से सब विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं है? मम चेमा गिरह श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे इदं तद्वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि शायता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा विशुद्ध सत्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय मामनाथां विहायै काम गतस्त्वमसि मानद शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता शूरभार्यां हतां पश्य सद्यो माम विधवां कृतां अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृढम्। तारा रो रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं
कह रही हैं कि मेरी आवाज सुनकर भी, अंगद का शोकोद्गार सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं, उठते क्यों नहीं। यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में ना दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राज रानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है। तभी तो अपने स्वामी को इस प्रकार मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा कृतम् सुहृत् चैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रांतः शूरः पञ्च त्वमागतः पतिहीना तुया नारी कामं भवतु पुत्रिणी धन धान्य समृद्धापि विधवेत्युच्यते जनैः स्वगात्र प्रभवे वीरशेषे रुधिरमंडले कृमिराग परिस्तो में स्वकीय शयने यथा रेणु शोणित संवीतम गात्रम तव समन्ततः परिरब्धुम न शक्नोमि भुजाभ्याम प्लवगर्षभ कृतकृत्यो अद्य सुग्रीवो वैरे अस्मिन् अति दारुणे। तारा के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कह रही हैं कि इतना कठोर कैसे हो गया है मेरा हृदय, इसके सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते अपने स्वामी को इस प्रकार धरती पर पड़े देखकर। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, ये संसार से चल बसे हैं। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग तो उसे विधवा ही कहते हैं। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। हे वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। यस्य राम विमुक्तेन हृतमेकेषुणा भयम् शरेण हृदि लग्नेन गात्र संस्पर्शने तव वार्यामि त्वाम् निरीक्षन्ति त्वयि पञ्चत्वमागते उद्बबर्ह शरम नीलस्तस्य गात्र गतं तदा गिरिगह्वर संलीनम दीप्तमाशी विषम यथा तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ द्युतिः अस्तमस्तक संरुद्ध रश्मेर दिनकरा दिव पेतुः क्षतजधारास्तु
व्रणे अभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्र गैरिक संप्रिक्ता धाराइव धरा धरा अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना। तो तारा आगे कहती हैं कि श्री राम के एक बाण ने ही सारा सुग्रीव का भय हर लिया है और आपकी छाती में जो बाण धसा हुआ है वो मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। तो ये सुनकर तभी नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला। मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरु मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। बाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया। अस्त्रैर नयन जैहि शूरम शिशे चास्त्र समाहतम रुधिरोक्षित सर्वांगम दृष्ट्वा विनिहितं पतिम उवाच तारा पिंगाक्षम पुत्रं मंगदं मंगना अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणां संप्रसक्तस्य वैरस्य गतो अन्तः पापकर्मणा बाल सूर्योज्ज्वल तनुं प्रयातं यमसादनम् अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानदं एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यां अंगदो अहमिति ब्रुवन् अभिवादयमानं त्वामंगदं त्वं यथा पुरा। तो वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। हे वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे हैं। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं द्वारा अपने पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। फिर तारा कहने लगी, हे प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थम नाभिभाषसे अहम पुत्र सहाया त्वामुपासे गत चेतनम सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम् इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणां हसा तस्मिन्नव भृते स्नातः कथं पत्न्या मया विना।
या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शातकां हेम प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेह किम् राजश्रीर्न जहाति त्वां गता सुमभिमानद सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिवं प्रभा नामे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव हता सुपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया शीर्विजहामपि। तारा रो रो कर बार बार विनय कर रही हैं बाली से, जानते हुए भी कि अब वो नहीं उठेंगे, नहीं बोलेंगे कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, अपने पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं देते। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अब वृथ स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले हे वानर राज, प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 23वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य किष्किंधा कांडे 23वां सर्ग। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।